प्रॉब्लम्स, तो कार्तिक आर्यन वाला डायलॉग याद आ रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ज्यादा पिक्सल मतलब बेटर इमेज क्वालिटी नहीं होती है। अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे यार रैम बढ़ जाएगा, फोन का स्पीड बढ़ जाएगा, इनको फीचर बोलना भी नहीं चाहिए। आप अपने कंपनीज जानबूझ के बड़े बड़े नंबर रखती है अपने स्पेक्स, जानने के बाद डिसीजन लेना वो एक बेटर ऑप्शन होता है हमेशा देन बिना जाने डिसीजन लेना। दोस्तों आज से 10-15 साल पहले तक टॉर्च, अलार्म क्लॉक ये सब अलग अलग डिवाइसेस हुआ करते थे, पर आज के टाइम पे ये जो हमारा स्मार्टफोन है इसमें ही सब कुछ है। और स्मार्टफोन मार्केट भी जो है वो क्लटर्ड हो चुका है कंपनीज से, इतनी सारी कंपनीज हैं जो इतने सारे स्मार्टफोन्स ला रही हैं। हालांकि ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है क्योंकि इसके वजह से कंपटीशन होने के वजह से नए नए स्पेक्स कंपनीज ऑफर कर रही है अपने फोन्स में। और वैसे भी 10,000 का जो फोन है और 1 लाख का जो फोन है उसमें कोई डिफरेंस तो होना चाहिए, होते भी हैं, बहुत सारे स्पेक्स कंपनीज निकालती है। और गीक्स के लिए तो ये अच्छा ही है, जितने नए नए स्पेक्स आए उनको और मजा आता है एक्सप्लेन करने में और उनको टेस्ट करने में। पर एक नए स्पेक्स को लेके एक्साइटेड रहना और एक परचेज डिसीजन बनाना दो बिल्कुल अलग चीज है। सो हियर आर 10 यूजलेस फीचर्स दैट यू डोंट एक्चुअली नीड इन योर फोन, और इसमें से फीचर नंबर 6, फीचर नंबर 8 और फीचर नंबर 10 बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। फीचर नंबर 1 इज रैम एक्सपेंशन। दोस्तों रैम एक्सपेंशन में होता क्या है कि जो आपके फोन का स्टोरेज है उसका कुछ पार्ट एज रैम एक्ट करता है। अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे यार रैम बढ़ जाएगा, फोन का स्पीड बढ़ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये डिबेटेबल है कि ये एक्चुअली फायदेमंद है भी या नहीं। कंपनीज ये सारे स्पेक्स और ये सारे टर्म्स यूज करती है एज गिमिक, इसको यूज किया जाता है हाई एंड स्मार्टफोन्स को सेल करने के लिए और ज्यादा पैसे लेने के लिए। मैं मान सकता हूँ अगर 4GB रैम से कम है आपके फोन में, 1GB 2GB रैम है, तो फिर थोड़ा स्टोरेज का हिस्सा अगर आ भी जाता है एज रैम तो वहाँ हेल्प हो सकता है। वैसे भी दोस्तों रैम का जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है कम्पेयर टू स्टोरेज के स्पीड से, तो स्टोरेज का कुछ हिस्सा आ भी अगर जा रहा है तो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, उल्टा ये फीचर पावर कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है। तो बेस्ट है कि ये फीचर अगर आपके फोन में है तो सेटिंग्स में जाओ और इस फीचर को ऑफ करके रखो। मैं जो फोन अभी यूज कर रहा हूँ जिससे शूट हो रहा है वीवो X70 Pro, इसका 12GB रैम है और इसमें भी ये फीचर है कि 4GB मैं स्टोरेज से यूज कर सकता हूँ एज रैम, लेकिन मैंने उस फीचर को सेटिंग्स से डिसेबल करके रखा हुआ है। दोस्तों इस फीचर को ऑफ करने के लिए पहले हमें सेटिंग्स में जाना है, फिर रैम एंड स्टोरेज स्पेस में, और यहाँ ऊपर रैम दिख रहा है हमें उस पर क्लिक करना है और इस फीचर को डिसेबल कर देना है। सेकंड फीचर जिसकी आपको जरूरत नहीं आपके फोन में वो है डेप्थ कैमरा। दोस्तों डेप्थ कैमरा यूज किया जाता है DSLR जैसा एक बोके इफेक्ट फोटो में क्रिएट करने के लिए, मतलब जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ब्लर इफेक्ट लाने के लिए। पर दोस्तों जैसे जैसे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बढ़ रही है सॉफ्टवेयर के मदद से ही ये ब्लर इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है अलग से एक कैमरा की, खास करके एक बजट फोन में जरूरत नहीं है। आपके फोन में अगर एक डेप्थ कैमरा है तो हाई चांस है कि वो एक सिर्फ गिमिक है और एक्स्ट्रा कैमरा के नाम पे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं कस्टमर से। थर्ड फीचर इज रैम क्लीनर। दोस्तों रैम क्लीनर के नाम पे भी कई सारे थर्ड पार्टी एप्स और चाइनीज कंपनी तो बहुत अजीब अजीब नाम से भी इस तरह के फीचर लाती है, इनका भी कुछ खास फायदा है नहीं। फोन इतना डिसेंट इनफ टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुका है कि वो खुद से खुद को क्लियर आउट कर सकता है, अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप डाल के आपको रैम को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। वो झाड़ू वगैरह लगाते हुए दिखता है और उसका ऐसा कोई फायदा नहीं इस तरह के ऐप्स अगर आपके फोन में, मारो अनइंस्टॉल तुरंत, इनका कोई ऐसा यूज है नहीं आपके फोन में। फोर्थ इज 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रेंड है आजकल हाई एंड स्मार्टफोन्स में, पर दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि 8K वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो वो प्ले करने के लिए बहुत कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं है मार्केट में। जैसे मुझे याद है मेरे व्लॉग चैनल पे वो व्लॉग अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो उन व्लॉग्स को, हमने परफॉर्म किया था स्टेज पे और वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था 1080p 60fps पे, मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद आ रहा है। उसको जब मैंने टीवी पे रन किया एक अच्छे खासे स्मार्ट टीवी पे तो 60fps होने की वजह से वो लैग कर रहा था वीडियो फुटेज उस टीवी पे। जब 60fps लैग कर रहा है तो 8K वीडियो आप किसी और डिवाइस पे रन कर लोगे स्मूथली, बहुत कम डिवाइसेज हैं मार्केट में जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग से डबल स्टोरेज लेता है, 1080 पिक्सल से 4 times ज्यादा स्टोरेज लेता है और उतने कंपैटिबल इसके डिवाइसेज भी नहीं है। तो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कंज्यूमर्स के लिए बहुत मैंडेटरी फीचर नहीं है अगर आप एक हाई एंड स्मार्टफोन ले रहे हो तो, यू कैन स्किप दैट। फीचर नंबर 5 है दोस्तों चीप मैक्रो कैमरा। अगर आपके फोन में भी एक 2 megapixel का मैक्रो कैमरा है तो हाई चांस है कि खास करके बजट फोन में अगर है तो ये गिमिक है और ये कैमरा काउंट बढ़ाने के लिए दिया हुआ है ताकि एक लेमैन बायर जब जाए तो उसके पास ऑप्शन अगर दो फोन का है, एक में देख रहा है वो कि इसमें 3 कैमरा है और इसमें 4 कैमरा, भले ही वो चौथा कैमरा 2 megapixel का है, लेकिन एक लेमैन बायर तो ज्यादा फीचर लेना चाहेगा अपने उसी सेम प्राइस में। तो इन रीजंस की वजह से ये छोटे छोटे फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, इनको फीचर बोलना भी नहीं चाहिए। आप अपने प्राइमरी लेंस से फोटो खींच के क्रॉप कर लो ना, वो फोटो बेटर क्वालिटी का होगा उस फोटो के कंपैरिजन में जो इस 2 megapixel के लेंस से खींचा हुआ होगा। हाँ, कुछ हाई एंड स्मार्टफोन्स में ये मैक्रो कैमरास डेफिनेटली अच्छे होते हैं पर जनरली बजट सेगमेंट में दे आर नॉट वर्थ इट। दोस्तों अगला फीचर जो है वो है 144Hz का रिफ्रेश रेट। मुझे याद है बहुत पहले की बात नहीं है जब हर फोन में 60Hz का रिफ्रेश रेट हुआ करता था। मेरे पास अभी ये है सैमसंग गैलेक्सी A51, इसके पहले मैं यूज कर रहा था Asus ZenFone Max Pro M2, काफी अच्छा फोन था वो बजट सेगमेंट में।
उसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट था, पर जैसे ही 2019 में OnePlus 7 Pro आया, मुझे याद है उस फोन ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया था। मिड रेंज का फोन था वो, कर्व्ड डिस्प्ले और ओवरऑल मतलब लोग पागल हो गए थे उस फोन के लिए। उसके बाद कब 60Hz से 90Hz, 90 से 120Hz चला गया फोन। 2020 तक 120Hz का रिफ्रेश रेट फ्लैगशिप या मिड रेंज में ही हुआ करता था, पर अब तो बजट में भी आने लगा है। और अब ये 144Hz रिफ्रेश रेट, दोस्तों इसकी एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी आंखें 120Hz से फेमिलियर हो चुकी है, मैं मानता हूं। लेकिन 120Hz और 144Hz को अगर अगल बगल रख के देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, हमें समझ में भी नहीं आएगा क्या एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। तो उस सेंस में 120Hz काफी है, 144Hz के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की हमें जरूरत नहीं है, तो ये भी एक यूजलेस फीचर बन जाता है। दोस्तों अगला फीचर है वायरलेस चार्जिंग। इसका एज सच कोई फायदा है नहीं, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये इनएफिशिएंट होता है और इससे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और टेक्निकली वायरलेस तो हुआ भी नहीं ना, वायरलेस कब बोलते हैं? अगर आप चार्ज कर रहे हो और उस दौरान आप फोन को यूज भी कर पा रहे हो, लेके घूम भी पा रहे हो, तो समझ में आता है वायरलेस चार्जिंग का मतलब। आपको फोन तो एक जगह रखना पड़ ही रहा है, तो क्यों ना यूएसबी ही लगा दो उसमें जो उसका चार्जर चार्जिंग पोर्ट है, क्योंकि जो वायर्ड चार्जर होता है वो फास्ट होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है। साथ में जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वेस्ट प्रोडक्शन भी कम होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी वायर्ड चार्जर्स बेटर है देन वायरलेस चार्जर्स। उसके अलावा दोस्तों यूएसबी सी पोर्ट फोन में होने से और फायदा होता है, क्योंकि बाकी जितने गैजेट्स हैं आजकल मैक्सिमम गैजेट्स टाइप सी कंपैटिबल ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वायरलेस चार्जिंग आपके लिए एक सेपरेट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगला फीचर है दोस्तों रैम। बहुत ज्यादा एक्सेसिव रैम आपको नहीं चाहिए आपके फोन में, 6GB रैम इनफ है किसी के लिए भी जो वेब ब्राउजिंग करना चाहता है, वीडियोस देखना चाहता है, गेम्स खेलना चाहता है, सोशल मीडिया यूज करना चाहता है, और जो भी आप सोच सकते हो उन सारे पर्पस के लिए जो फोन लेना चाहता है 6GB रैम इज इनफ। थोड़ा अगर हायर नोड पे आप गेमिंग करते हो, थोड़े ज्यादा ऐप्स वगैरह चलाते हो, तो 8GB रैम इज सफिशियंट। हेवी गेमिंग करते हो या हेवी वीडियो एडिटिंग कंटेंट क्रिएशन करते हो तो 12GB रैम तक सफिशियंट है, 16GB रैम और 12GB के ऊपर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द मनी। दोस्तों अगला फीचर है पेरिस्कोप कैमरा। आजकल के फोन में 10x तक ऑप्टिकल जूम आने लगे हैं, जैसे हमने देखा है S23 अल्ट्रा में है। अब दोस्तों ये जो कैमरा पेरिस्कोपिक कैमरा है ये यूज करता है पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जो कि फोल्डेड ऑप्टिक्स के टेक्निक पे काम करता है, ताकि वो जो हाई एंड टेलीफोटो लेंसेज होते हैं उसके फीचर्स को वो मिमिक कर पाए अपने स्मार्टफोन में, उस फीचर को ला पाए। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम करते करने वाला डायलॉग याद आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो महंगा है, ये है इसके वजह से फोन एक्सपेंसिव हो जाता है, इट मेक्स द फोन प्राइसी। आम यूजर को इसकी उतनी जरूरत है नहीं। अगला फीचर है दोस्तों कैमरा, और 108 मेगापिक्सल का कैमरा तक इज इनफ। लेकिन अभी जो 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा आ रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं आम यूजर्स को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ज्यादा पिक्सल मतलब बेटर इमेज क्वालिटी नहीं होती है। ज्यादा पिक्सल का मतलब ये होता है कि अगर आप फोटो को जूम करोगे तो फोटो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, फोटो फटने नहीं लगेगा कि अरे यार ये फोटो ही खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। जूम करोगे तो भी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कंपनीज जानबूझ के बड़े बड़े नंबर रखती है अपने स्पेक्स में, ताकि मैनिपुलेट किया जा सके कस्टमर्स को एक महंगे डिवाइस को खरीदने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी लार्ज मेगापिक्सल होगा तो बड़े बड़े फोटो ज्यादा स्टोरेज ही ऑक्यूपाई करेंगे आपके फोन में। दोस्तों दो रीजन जिसकी वजह से 108 मेगापिक्सल के कैमरे की जरूरत नहीं है आपको। पहला, फ्लैगशिप्स में जूम लेंस होता है जिससे आप फार अवे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हो, और दूसरा रेगुलर फोटोज में इतना हाई मेगापिक्सल की जरूरत नहीं है क्लैरिटी के लिए, वो नॉर्मली भी हो जाता है, नॉर्मल भी क्लियर फोटोज आ जाते हैं। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 108 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा का कैमरा अच्छा नहीं होता है, पर एक आम यूजर को इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, और इन सब जगहों पे वैसे ही फोटो वीडियो की क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है, तो जो आप कैप्चर कर रहे हो तो वो तो आप एनीवे शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी आपको उतनी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी इफ यू डिसाइड टू गो विथ एनी और मल्टीपल ऑफ दीज फीचर्स, वो आपका खुद का कॉल होगा। जानने के बाद डिसीजन लेना वो एक बेटर ऑप्शन होता है हमेशा देन बिना जाने डिसीजन लेना। दैट वॉज द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर कुछ और फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि वो भी यूजलेस हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर जनरली बजट सेगमेंट में दे आर जस्ट गिविंग अरे बाप रे क्या क्या होने लगता है वीडियो बनाते बनाते। तो उस सेंस में 120 हर्ट्ज। अगला फीचर जो है दोस्तों वो है